देंगे हम लोग फिनाइल ग्रुप। सो एवरीबडी नोज दैट व्हाट इज फिनाइल, व्हाट इज बेंजाइल, व्हाट इज अलाइल। सो एलिफेटिक अल्कोहल, फिनॉल, बेंजाइल अल्कोहल एंड मिक्स ईथर। मिक्स ईथर तो है ही नहीं, अब ये ओएल लिखा है तो ऑल ही होगा। तो आप जैसे देख सकते हैं कि जो ओएच है वो इस सिस्टम को कनेक्टेड है, और इतने सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। बेंजाइलिक, बेंजाइलिक, सो इट इज अ बेंजाइलिक अल्कोहल। मैच द फॉलोइंग, नाउ दिस इज एन अमाइड। सो अमाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, आर बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, ओ बॉन्ड, एन एच टू, दिस इज अमाइड। अब आर की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, अल्कोहल मतलब आर ओ एच, आर ओ एच को हम लोग एल्कोहल बोलते हैं। मतलब हो जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सी एच टू डबल बॉन्ड, सी एच ओ एच आएगा। यस, फिनॉल, यस फिनॉल तो मालूम ही है, बेंजीन रिंग को ओ एच लगा, बेंजीन ओ एच, बेंजीन ओ एच। सो नाउ वी हैव टू जस्ट क्रॉस चेक व्हिच इज द राइट पॉसिबिलिटी। सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, बी ऑप्शन। पहले का डी सही बात है, अल्कोहल का, अल्कोहल का ई आएगा, ई आएगा, फिनॉल का सी, हाँ सी आएगा, फिनॉल का डी आएगा, फिनॉल का डी, बी आएगा, बी ए आएगा, यस ए ए ए, यस। तो की राइट आपको दिया है बी ऑप्शन में, बी बराबर है, यस सर, यस सर, बी इज द करेक्ट वन। नाउ ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर सबके दिमाग में आ गया होगा, यस सर, पीएच वन सेकेंडरी और टू प्राइमरी ओएच ग्रुप। ओके, ग्लिसरीन मतलब होता है सी एच टू सी एच सी एच टू, अब तीनों को क्या लगा दो तुम, ओ एच लगा दो, ओ एच ठीक है। सो इसमें क्या मैच करना है, वन सेकेंडरी है और बाकी दो प्राइमरी है, सही बात है, यस 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 सर। ये स्ट्रक्चर का मतलब है 1 सेकंड की टाइम बाय ऑप्शन 1 है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। तुमसे इतने आरदीपुर लग यार क्या आवाज कर रहा है बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, which of the following statement is a false, primary alcohol has a CH2OH group, ठीक है भाई, सही बात है ये, secondary alcohol has a minimum of 2 carbon, minimum 2 carbon तो नहीं लगेगा, कम से कम 3 तो लगेगा ही लगेगा, yes yes, ये गलत स्टेटमेंट है। टर्शियरी अल्कोहल हैज अ मिनिमम ऑफ 4 कार्बन, सही बात है, करेक्ट है। प्राइमरी अल्कोहल हैज अ प्राइमरी अल्कोहल विद अ ब्रांच चेन हैज अ मिनिमम ऑफ 4 कार्बन, करेक्ट है, यस। ब्रांच में लेके जाना तो 4 तो लेना ही पड़ेगा, 3 लोगे तो स्टेट ही जाएगा, स्टेट ही जाएगा, यस। इसमें जो सही बात है वो है ऑप्शन बी, बी। चलो ये सारे के सारे क्वेश्चन सब सीईटी के क्वेश्चंस है सब। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सीजन एटम इन एन अल्कोहल इज हाइब्रिडाइज्ड, एसपी3 हाइब्रिडाइजेशन। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, ऑक्सीजन फिनॉल ग्रुप में लगेगा तो वो sp2 हो जाएगा ना, sp2, sp2, ओके, मतलब बेंजीन में लगेगा। अच्छा वो फिनॉल है ही नहीं ना बच्चा, वो अल्कोहल है ही नहीं ना, इधर देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला है ऑक्सीजन एटम अटैच टू एन अल्कोहल, तो ये अल्कोहल है, सही बात है, यस यस
इज फिनॉल. यस सर फिनॉल है. यस ये अल्कोहल है. इवन जब आप बात करते हो इनॉल का, इनॉल में कैसा होता है ना कि सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड ओ एच. नाउ दिस ओ एच का लोन पेयर विल कम हियर एंड इट विल गो हियर. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इनॉल टॉटोमेरिज्म करते रहेंगे. ये हमको क्या मिलेगा? sp2 हु हाइब्रिडाइजेशन sp2. तो हम लोग उसका लोन पेयर जो है ना वो लोकलाइज्ड है ना उसी को काउंट करते हैं. जो डी लोकलाइज्ड है उसको काउंट नहीं करते. ये पता है आप लोगों को? यस सर. यस सर. यस सर. हां तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? sp3. इन एन अलाइलिक अल्कोहल ओएच ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. चलो बहुत बढ़िया. sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. पिक अप अ रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. ये रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है मुझे. लेट्स सी. ग्लिसरॉल हैज अ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड. सही बात है. सर 6 का सी आएगा ना? sp3 हाइब्रिडाइज्ड आएगा ना? यस सर. 6 वाले का सी ऑप्शन आएगा. अलाइलिक CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2OH. हां तो इसमें क्या बोला है? OH ग्रुप इज अटैच्ड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. इधर देखो CH2 डबल बॉन्ड sp2 आएगा बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH. Now, OH is connected to this carbon and this carbon is having sp3 hybridization. समझा क्या तुम लोग? sp3 sp2 नहीं है भाई. कुछ भी बोलो मैं दिया तुम लोग. sp3 है. सही बात है. Now, question number 7 पे आ जाइए. Glycerol has a 3 hydroxyl group present in structure. सही बात है. That's correct. Dimethyl carbinol is a monohydric alcohol. Yes, sir. Yeah, right. ओके तो मोनोहाइड्रिक हो जाएगा. देयर इज ओनली वन ओएच कनेक्टेड. कार्बिनॉल हम लोग CH2 को बोलते हैं. जैसे तुम्हारे पास ये है CH3 CH2OH है तो इसका नाम क्या बोलेगा? इथाइल अल्कोहल बोलेगा. तो अभी इतने को हम लोग ना कार्बिनॉल बोलते हैं. CH2OH को कार्बिनॉल बोलेगा और उसके आगे क्या लगा है? CH3 तो मिथाइल कार्बिनॉल. इसका नाम हो गया मिथाइल कार्बिनॉल. ठीक है भाई. अब इसने डाइमिथाइल बोल दिया ना तो दो ये मिथाइल लगेगा. दो मिथाइल लगा दो उधर पे. ओके आफ्टर दैट व्हाट वी हैव अ साइक्लोहेक्सेनॉल. इन साइक्लोहेक्सेनॉल द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3. सही बात है. करेक्ट करेक्ट. इन फिनाइल मिथेनॉल द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड. नो दैट्स रॉन्ग. इसमें जो है sp3 आएगा. क्या आएगा? sp3. तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा रॉन्ग है. तो हम इसी को पिकअप करेंगे. ऑप्शन डी हमारे लिए करेक्ट आंसर है. करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. सो व्हाट वी हैव टू डू हियर? फर्स्ट वी हैव टू गिव द प्रेफरेंस टू द फंक्शनल ग्रुप. सो एज यू नो यहां पर दो फंक्शनल ग्रुप मुझे दिख रहे हैं. एक डबल बॉन्ड दिख रहा है और एक OH दिख रहा है. OH को प्रायोरिटी मिलेगा. ज्यादा इसको प्रायोरिटी मिलेगा. एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर. सो इट इज अ पी ऑप्शन. टी ऑप्शन. टी ऑप्शन. टी ऑप्शन. सी सर पेंटेन. सर पेंटेन बड़ा वाला ये मिल रहा है ना ऊपर से. हां तो ऊपर से आएगा ना CH3 CH2 CH2. बट तुम्हारे को फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी किधर मिल रहा है? सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. नहीं नहीं सर लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सबसे पहला प्रायोरिटी देते हैं ना. हां तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. यस. और इसके बाद यू हैव टू गिव द प्रेफरेंस टू द फंक्शनल ग्रुप. तो अगर तुमने फॉलो कर लिया. अच्छा तुम बोल रहे हो कि 5 कार्बन ले लेते हैं. जस्ट 1 मिनट. 1 2 3 4 5. So, अच्छा तो तुम्हारे हिसाब से बी ऑप्शन बन रहा है. ठीक yes, है सर. अच्छा और 1 मिथाइल. अगर मैंने इसको 4 कार्बन का चेन ले लिया. सर पर लोवेस्ट लोकेंडोल के हिसाब से. हाँ वही पकड़ रहा हूँ मैं भाई. One methyl and then bute 1 2 3. Bute 3 in one. Option C. All. हाँ. Option C. अभी बच्चा B और C में confused हो जाएगा. तो सबसे पहला जो rule आपने बोल दिया, select the longest continuous carbon chain containing the functional group.
तो उसके हिसाब से तो अगर बच्चा बोल रहा है सर बी वाला करेक्ट है, हाँ भाई ठीक है, ठीक लग रहा है बी वाला। अब ऑप्शन सी में आ जाइए। ऑप्शन सी में कैसा है कि वन फंक्शनल ग्रुप पर कम से कम नंबर दिया है मतलब। हाँ, योर फंक्शनल ग्रुप शुड बी कनेक्टेड टू दैट कार्बन विच हैज अ लोवेस्ट पॉसिबिलिटी। अब अगर आप ऊपर से जाओगे ना, ये वन टू सेकेंड नंबर पे आएगा, तो उसका लोकेंड तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी मिल रही है। जो रूल नंबर वन है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो उसके हिसाब से कैसा ये चेन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच ओ एच बॉन्ड सी एच थ्री एंड सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच थ्री ओ एच। तो अगर आपने इसको आइडियली इसमें पांच कार्बन जाना चाहिए क्योंकि वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव क्योंकि ये रिंग का ही हिस्सा है, OH है ना, लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा बन रहा है यहाँ पे। सो इट इज लाइक अ वन टू, सो दो नंबर पे OH लगा दो और चार नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है मेरे हिसाब से। तो मैं आई विल गो विद ऑप्शन बी, ठीक है, इसको फिर भी मैं एक बार वेरीफाई करता हूँ। आठवें का जो आंसर बनना चाहिए वो बनना चाहिए बी, ठीक है। यस, बिकॉज सबसे पहला जो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, तो कार्बन चेन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, वेदर यू आर स्टिकिंग टू दिस मच, यहाँ तक ही जा रहे हो तुम, इतना रेड वाला पोर्शन ले रहे हो तो उसके अंदर OH तो आ ही रहा है, तो जब तुम ऊपर वाला भी ले रहे हो तो उसके अंदर भी तो OH आ ही रहा है, उसमें कहाँ OH नहीं आ रहा है, उसमें भी तो आ ही रहा है। तो आइडियली जो है मेरे हिसाब से तो बी बनना चाहिए, ठीक है। After this, we have a question number 9. Tell me the question number 9. Match the column करना है। पहले वाले का क्या नाम हो जाएगा? 3 ethyl, 3 methyl, pentanol ना? 1, 2, 3, 4, 5. Pentan to all. Pentan to all. C. तो कौन सा है? C option. ठीक है। अब second वाले का बोलो क्या बनेगा? D option आएगा. D. Cyclopentane. Methyl cyclopent 3 in 1 all. अच्छा, तुम क्लॉकवाइज जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, कैसे भी जाओ एक ही पड़ेगा, तीन नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड। यस, हाँ, सो एक नंबर पे तुम्हारा मिथाइल है और एक नंबर पे तुम्हारा ये भी है और फिर तीन नंबर पे तुम्हारा ये आ रहा है, वन मिथाइल साइक्लोपेंटीन वन ऑल। यस, ऑप्शन डी, सेकेंड का डी ऑप्शन है। मैच कर लेते हैं किस में जा रहा है, डी ऑप्शन में जा रहा है। डी दिया है क्या? रुकना है, डी तो देखूं मैं। सो साथ में देखना पड़ेगा। डी मतलब पहले का सी लिखा, सेकंड का डी। हाँ, सेकंड का डी को डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन, ठीक है। सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन। नाउ विल डू द प्रिपरेशन ऑफ एन अल्कोहल। अब अल्कोहल की प्रिपरेशन जरा देख लेते हैं। इन द प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बाय द हाइड्रोपोरेशन मेथड HBO, तो ये वन ऑल देने वाला है। वन ऑल देगा। यस, वन ऑल। अच्छा, वन ऑल देता है, तो मतलब देखो आपने डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करवाया है, तो डबल बॉन्ड के ऊपर जो अटैक करने वाला, डबल बॉन्ड होता है या बेंजीन रिंग होता है, ये लोग इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो उसके ऊपर जो अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि डाइबोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है पी, तो उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन बोरोन रख सकता है, तो दैट्स व्हाई दिस दैट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, तो डाइबोरोन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज़ ऑफ देयर इज अ अवेलेबल वेकेंट पी ऑर्बिटल। नाउ करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट द HBO। चलो बताइए इसका आंसर आप लोग। पहला सही है क्या? It follows the anti-Markovnikov rule. Yes. Yes, sir. Now the nucleophile is attached to what? It is a more, getting attached to the more substituted or less? Wrong, yes, sir. Wrong. More, galat. Less, kuch aata hai.
रीअरेंजमेंट अगर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स गलत वन ऑल देगा सिर्फ वो करेक्ट है. The protoform is identical with the that of oxymercuration demercuration. नहीं oxymercuration demercuration में उसके ऐसा identical product नहीं, वो ये one all देता ना हमेशा. Yes. Stability of intermediate follow करता है. Oxymercuration demercuration आपको जो है carbocation stability या all तो वहाँ पे 1 degree का बनने का chances कम होता है. तो चौथा भी गलत है. So wrong correct wrong not करेक्ट फॉल्स जो है 1, 2, 3 बी ऑप्शन बराबर है सर. वो लास्ट वाला ऑप्शन एक्सप्लेन करो. चौथा वाला बोल रहे हैं लास्ट वाला चौथा वाला. हां मैं ऑक्सीमर्क्युरेशन डीमर्क्युरेशन में तेरे को ये मिलेगा रे 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है. हां सर समझा समझा. तेरे को ओएच इधर लगेगा. यस 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 स्टेबिलिटी फॉलो करेगा. ये पहले वो ये बनाता है हाइड्रो अपना ये मर्क्यूरियम आयन बनता है फिर वाटर अटैक मारता है. यस. क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए. द मेजर प्रोडक्ट द माइनर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. ठीक है ये जेई का क्वेश्चन है मेरे को जहां तक लग रहा है. चलो नोटबुक में इसको जरा लिखिए. देखो बेंजीन को के डबल बॉन्ड को वो टच नहीं कर सकता है. क्यों? क्योंकि वो रेजोनेंस में घूम रहा है. तो बेंजीन का डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना इज वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क. अब ये जो एंटी मार्कोनिकोफ रूल मेजर प्रोडक्ट होगा तो मार्कोनिकोफ माइनर होगा ना. हाँ भाई वही इसमें माइनर बोला है. तो OH इसको लगाओगे एक नंबर को लगाओगे दो नंबर को लगाओगे. एक नंबर को. हाँ एक नंबर को लगाएंगे हम लोग. ठीक है. सो राइट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे बी. बराबर है सबको समझ में आ रही है बात. यस सर. यस ओके. बिकॉज ये एंटी मार्कोनिकोफ का मतलब मार्कोनिकोफ रूल का उल्टा लगेगा. तो हम लोग OH कहाँ लगाते हैं द वन विच हैव अ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम बट दैट इज अ मेजर दैट इज अ मेजर प्रोडक्ट. तो यहाँ पे अपने को माइनर बोला है तो हम लोग लेस वाले के पास चले जाएंगे. एंटी मार्कोनिकोफ का उल्टा. चलो ठीक है वेरी गुड. So it was a question number 12. अब जाते हैं हम लोग 13 के ऊपर. C3H6O आपको दिया गया है. वो आपको एक बार प्रोपेनॉल देता है दूसरी बार 1, 2, 3, 4 एक कार्बन बढ़ा के दे रहा है. तो जब आप कार्बन बढ़ाओगे तो उधर पे बट ऑब्वियस जी आर आने वाला ही है. बिना जी आर के ऐड हुए कार्बन का नंबर नहीं बढ़ता है. तो उसने बोला है आपको ए और बी प्रेडिक्ट करना है. मतलब कौन सा यहाँ पे आपने रिएजेंट ऐड किया है या कैटलिस्ट ऐड किया वो बताना है. तो C3H6O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H. ठीक है ये C3H6 हो गया. अब आप इसका मार दीजिए रिडक्शन. तो रिडक्शन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन बी में दिया है सोडियम एमलगम. एक ये काम कर जाएगा. ठीक है इवन ये भी काम करेगा. देखो पहले रिएजेंट प्रेडिक्ट करो. ए के ऊपर इसने क्या लिखा है यहाँ पे पहला ऑप्शन में LAH है. हाँ तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसका रिडक्शन करके अल्कोहल बना देगा. दैट इज करेक्ट. यस CH2CH2. लेकिन जो बी वाला है ना बी वाला इधर क्या दिया है लिक्विड अमोनिया दिया है. ये बर्ज रिडक्शन है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया. ये क्या करता है ये तुमको ट्रांस एल्किन देता है. तो ये हट गया फिर ऑप्शन बी ए हट गया. बिकॉज उसका जो रिएजेंट बी है वो इधर काम करने वाला नहीं है. बस समझ में आ रही है कि नहीं. यस ये कुछ और प्रोडक्ट देगा आइडियली यहाँ पे. तो ये हटा देंगे हम लोग. अच्छा अब बी पे आ जाओ. ये सोडियम अमलगम इन वाटर है. ये क्लेमेंसन रिडक्शन के जैसे काम करता है. तो ये क्या करेगा इसको रिड्यूस करके सोडियम अमलगम इन वाटर को देखोगे तो ये इसको रिड्यूस करके यही प्रोडक्ट दे देगा.
CH3 CH2 CH2 OH, तो ये तो काम हो गया तुम्हारा ए से। अच्छा तो अब मैंने हाँ इधर देखो, सबसे पहला तो ये रिएजेंट अपन ने डिस्कस किया, जब आपने एल्डिहाइड और कीटोन में, वैसे इसमें अभी आया नहीं रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट में तुमको मिलेगा। सोडियम एमलगम क्या करता है, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कर देता है। जब तुम अल्कोहल से ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बनाते हो, अब ये जो लेफ्ट में है ये क्या है, राइट में ये क्या है, एल्डिहाइड राइट वाला अल्कोहल है, अभी अल्कोहल का तुमको अगर कन्वर्जन करने का एल्डिहाइड के अंदर तो क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा, रिडक्शन मारेगा मैं ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन ठीक है, अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव यू एन एल्डिहाइड व्हिच ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव यू एन एसिड। देखो अभी ये जो है ना, ये ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बना रहा है, ये जो दिया है C3H6O, ये है तुम्हारा एल्डिहाइड, क्या है एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड को अपन ने क्या करना है, अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो जो ऊपर वाला ऑप्शन है एक नंबर और दो नंबर, दोनों में फ़र्क क्या है, एक नंबर के अंदर नंबर ऑफ कार्बन का नंबर सेम है, तीन कार्बन प्रोडक्ट में भी है, तीन कार्बन रिएक्टेंट में भी है, लेकिन जो बी वाले देख रहा है इसमें एक कार्बन का नंबर बढ़ चुका है। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कार्बन का नंबर कभी भी बढ़ेगा ना, जिस बच्चे को सर नहीं फोड़ना रहेगा ना, ऑप्शन बी को टिक करके हट जाएगा। अगर उसको और कंफ्यूजन करना होता तो एक ऑप्शन बी आर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और देता था, बट वो लोग इतना कंफ्यूज नहीं करते हैं, बिकॉज इट टेक्स हार्डली 10 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू लुक इनटू दिस डिटेलिंग ऑफ दिस, उसको मालूम पड़ेगा हाँ यार बी वाला जो ये जी आर ही रहेगा, और ये मिथाइल का एक ही कार्बन तो है, जी आर का एक ही कार्बन तो इसमें ऐड हो रहा है, अगर जी आर में उसने इथाइल लिखा होता तो दो कार्बन ऐड हो जाता इसके अंदर, तो ये स्टार्टिंग वाला जो है तीन कार्बन है, तो प्रोडक्ट हो जाता 5 carbon का, तो ऐसा हो नहीं रहा है। प्रोडक्ट जो है फिलहाल यहाँ पे कितने कार्बन का है, 4 carbon का ही है, और आपने जो ऐड किया है वो कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है। बात समझ में आ रही है, मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, अमंग द फॉलोइंग एस्टर्स व्हिच विल गिव यू 2 moles ऑफ सिंगल अल्कोहल ऑन रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस, ठीक है चलो ये मैं तुमको सॉल्व करने के लिए दे देता हूँ, बट इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। CH3 CH2 C double bond O O bond CH2 CH3, मतलब 2 moles मिलेंगे बट एक ही अल्कोहल होगा, वो बोथ विल बी द सेम अल्कोहल, ऐसा नहीं कि इथाइल मिल रहा है एक प्रोपाइल मिल रहा है, ऐसा नहीं, दोनों ही इथाइल लगेगा ना सर, LiLH4 ले यूज करेगा, इस्टर है ना, हां NaBH4 इसको टच नहीं कर पाएगा ये सर, तो LiLH4 ही रिडक्शन इसका करने वाला है, तो पहला वाला दे सकता है क्या सेम अल्कोहल, दूसरा वाला क्या देगा, CH3 C double bond O, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आ रहा है, यस कैसे आएगा जरा बताएंगे मुझे, हाउ यू आर गेटिंग सी ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 14, टेल मी दैट, पहला काम क्या होगा यहाँ पे, हाइड्राइड हो लगेगा, किसको लगेगा हाइड्राइड, जिसमें डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन लगेगा। अच्छा 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 अच्छा, मेरे को पहले ये बताओ, अगर तुमने इसका ये किया हाइड्रोलिसिस किया इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये कौन सा अल्कोहल देने वाला है, मेरे को नाम बताना दोनों अल्कोहल का, सर एक इथेनॉल देगा, दोनों अल्कोहल का नाम बताइए, इतना टाइम ले रहे हो तुम लोग, तो अब ये मेरे को जो सी जिसने बताया था, अब उनको इसका जवाब देना पड़ेगा ना, सी कैसे आ रहा है, बोलो भाई शुभम, हाउ यू आर गेटिंग सी, एक्सप्लेन मी, तो इतना मिल रहा है, अरे मेरे भाई कैसे मिल रहा, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, LiLH4 का यूज करके हाइड्रेट वो सेकंड कार्बन पे लगेगा, हाँ उसके बाद क्या होगा बेटा, फिर उसका हाइड्रोलिसिस होगा,
अच्छा अभी इधर देखिए आप लोग, सर एक कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करते हैं, एक अल्कोहल फॉर्म करते हैं ना, सही बात है। वो पहले वाले का सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच आएगा और दूसरे का ओ और एक सी एच थ्री सी एच टू ओ एच आएगा, बराबर है, लेकिन उसको वो फिर से हाइड्रोलिसिस कर देगा, फिर से रिडक्शन कर देगा, समझ में आ रहा है? यस। तो ये इथाइल अल्कोहल देगा, ये इथाइल अल्कोहल देगा राइट साइड वाला, और लेफ्ट वाले में कितना कार्बन दिख रहा है, तीन है ना, तो प्रोपेनॉल दे देगा, प्रोपेनॉल देगा। यस हाँ, इतना कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे हो। तो अभी इसने क्या बोला, दोनों अल्कोहल सेम होना चाहिए, तो इधर भाई लेफ्ट वाला तीन कार्बन का अल्कोहल है, राइट वाला दो कार्बन का अल्कोहल है, तो ये सेम नहीं है, ये हट गया ऑप्शन में से, ठीक है। इसमें भी यही प्रॉब्लम है, इधर दो कार्बन है और इधर एक ही कार्बन है, इथेनॉल इथेनॉल देगा, तो इसका राइट ऑप्शन यही है, सी आएगा, यस सी इज द राइट ऑप्शन। तो एच माइनस पहला अटैक मारता है, ये इधर जाता है, ये ऊपर चला जाता है, तो वी गेट समथिंग लाइक दिस, सी एच थ्री सी हाइड्रोलिसिस होगा, बॉन्ड एच बॉन्ड ओ बॉन्ड सी टू एच फाइव ओ, तो इसका लोन पेयर इधर आता है, ये पूरा का पूरा निकल जाता है, तो ये बन जाता है इथाइल अल्कोहल, क्या बन जाता है, इथाइल इथेनॉल अल्कोहल, ये हो जाता है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, दैट इज एसिटाइल डीहाइड, इसका फिर से रिडक्शन हो जाएगा और यही दे देगा इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल देगा, यस ठीक है। हाँ, जब तक डिटेल में नहीं आएगा ना, इधर कैसा है, अपन तुक्का मार सकते हैं, तुक्का मार के क्या करोगे, बोलो क्या करोगे, तुक्का मार के कुछ होने वाला नहीं है, तो कोशिश करो पूरा याद रखने की, ठीक है। लेट मी जस्ट इरेज ऑल दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए आप लोग। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, मिथाइल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ जीआर ऑन द फॉर्मल्डिहाइड, देखो सर इथेनॉल आएगा वो, इथेनॉल बनाते हैं, मिथाइल में तो एक कार्बन है, तो जीआर का एक कार्बन और फॉर्मल्डिहाइड का एक कार्बन, मिलके मिनिमम दो कार्बन तो बनना चाहिए, कार्बन यस रिडक्शन ऑफ कीटोन गिव्स अ सेकेंडरी अल्कोहल, दैट इज सत्य वचन है, करेक्ट है वो, कुछ ऐसा वैसे नहीं आएगा, वैसे इस्टर भी प्राइमरी ही रहेगा आपको हमेशा, ऑप्शन जो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ हायर एल्कीन यूजिंग फॉर्म्स ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर लोगे, देखो इधर इसने टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, अच्छा बराबर है, प्राइमरी अल्कोहल नहीं देगा, ग्रिग्नर्ड रिएक्शन फॉलो करके वो सेकेंडरी अल्कोहल दे देगा, सॉरी ये मार्कोनी कपल फॉलो करके सेकेंडरी अल्कोहल दे देगा, सर डी वाला ऑप्शन बताओ ना, जैसे प्रोपीन है ना, प्रोपीन, प्रोपीन के ऊपर तो ये ऐड कर दे वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो क्या मिलने वाला तेरे को, प्रोपेन टू ऑल मिलेगा, प्रोपेन टू ऑल मिलेगा, तो वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, समझा, तो वही बोल रहा है वो प्राइमरी देगा, क्या ऐसा कोई जरूरी नहीं, प्राइमरी विल बी द माइनर एंड द सेकेंडरी विल बी द मेजर, तो यहां पे जो सही स्टेटमेंट है वो क्या है, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, बी। डैश इज ऑब्टेंड बाय द एक्शन ऑफ जाइमेज ऑन फ्रक्टोज, जाइमेज क्या है भाई, फिनोल आएगा, जाइमेज है क्या मेरे भाई, C6H12O6 जाइमेज एंजाइम है, एंजाइम है, जाइमेज सर इथेनॉल, इथेनॉल मिलेगा, इथेनॉल, हाँ। अब जब आप फ्रक्टोज या ग्लूकोज लेते हो उसके ऊपर जाइमेज या फर्मेंटेशन हो जाता है, यस इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, हाँ, तो वो बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को तोड़ के छोटा कर देता है, यस, सो राइट आंसर विल बी हियर इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। Now there is some chemical property of an alcohol. अभी जरा मैं जाता हूँ reaction part के ऊपर 24, 23 हाँ बोलिए, एक doubt है, किधर का doubt है पहले ये बता, सर इधर का नहीं है दूसरे का doubt है, दूसरे book का है, अच्छा last में बताता हूँ, अभी बीच में घुसेगा तो
टाइम चला जाएगा. अरेंज द अल्कोहल इन द ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी. देखिए एसिडिटी के मामले में सब लोग इधर पे रहेंगे, लेकिन जो अपना एक्चुअल इसका जो जजमेंट है वो किस बेसिस पे किया जाता है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, कंजुगेटिव बेस, कंजुगेट बेस को स्टेबलाइज करने के लिए वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्या, वहाँ पर एस करेक्टर है क्या, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्या, बस समझ में आ रही है. तो yes. Yes. अभी हम लोग क्या करते हैं, सबके अंदर से एक एक प्रोटॉन निकाल दो, टेक आउट द प्रोटॉन फ्रॉम एवरीवेयर. अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोटॉन निकालने के बाद जो है स्टेबल कौन हो रहा है, मतलब हु इज गेटिंग मोर स्टेबिलिटी. सो वी विल जस्ट चेक इट आउट. क्वेश्चन 23. माइक बंद कर दीजिए, किसका माइक चालू है. ठीक है, ये थर्ड स्ट्रक्चर है. हर जगह से प्रोटॉन निकाल दो. तो मैंने पहले वाले से प्रोटॉन निकाल दिया, ओ नेगेटिव, ये भी ओ नेगेटिव एंड दिस इज आल्सो ओ नेगेटिव. सो आई विल राइट डाउन हियर ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव. अब आपको क्या देखना है, ये सारे के सारे क्या हैं, तुम्हारे कॉन्जुगेट बेस है. बेस है, यस. अब देखो सब में कैसा है ना कि फिनाइल रिंग है, खाली जो थर्ड वाला है ना उसमें क्या होना है, सब में साइक्लोहेक्सेन है, थर्ड वाले में कौन है, एक फिनाइल है, बेंजाइल है, फिनाइल है. तो लॉजिकली देखा जाए, देखो तो सबसे कम स्टेबिलिटी जो होगी वो पहले वाले की होगी. उसके पीछे का रीजन क्या मालूम है, ये जो O- है इसको नेगेटिव चार्ज मिल गया. अब वो ये सोचता है कि मेरे बगल में कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को खींचे खींचे, यस, ये तीनों उसके बगल में लगा दिया गया मिथाइल ग्रुप. हाँ, मिथाइल बोलेगा भाई तू ले ले इलेक्ट्रॉन, साइक्लोहेक्सेन भी दे देगा, ये भी दे देगा, तो ये भाई अनस्टेबल हो जाएगा हाईली. यस, लेकिन जब आप बात करते हो थर्ड वाले की, तो थर्ड वाले में कैसा है, देयर इज अ वन साइड दिस एंड देयर इज अ वन फिनाइल रिंग कनेक्टेड. तो फिनाइल रिंग वैसे उतना नजदीक तो नहीं है, इट इज अ फार, बट व्हेन वी डू द कंपैरिजन विद 1 2 एंड 3 1 2, वी फाइंड द थर्ड इज गेटिंग मोर स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ दिस फिनाइल रिंग कनेक्टेड टू इट. वैसे फिनाइल उतना नजदीक नहीं है, लेकिन रिलेटिवली हम बोल सकते हैं कि वो थोड़ा सा ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कॉन्जुगेट बेस को. जबकि ये क्या करेगा, सेकंड वाले में इधर इथाइल है, इधर पे तुम्हारा ये ग्रुप है, तो ये भी डोनेट ही करेगा, डोनेट ही करेगा, यस. तो जो तीसरा वाला है वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा बिकॉज ऑफ फिनाइल रिंग. उसके बाद दो नंबर आएगा, उसके बाद तो एक नंबर जाएगा. सो राइट ऑप्शन हो जाएगा, कि आप काम कैसे जाएगा, उल्टा जाएगा एसिडिटी ऑर्डर, उल्टा. यस, बात समझ में आ रही है. यस सर. यस सर. ओके. यस सर. ये जो 24 वाला क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं इन द इसमें बनते हैं, किस मालूम है, जेई में तो नहीं आता है, एम्स का एग्जाम होता है उसमें बहुत आता है, एम्स का. ठीक है, नीट में भी कभी कभार पूछ लेते हैं. Pyridine is used in a esterification reaction between an alcohol and acid chloride. ठीक है भाई. Pyridine act as a base. Pyridine base का है, लेकिन ये ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में. वैसे दोनों सही स्टेटमेंट है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है. Pyridine is used in esterification reaction between alcohol and acid. Correct explanation नहीं है उसका. हाँ? Correct explanation नहीं है. करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. अच्छा देख रहा हूँ मैं. अह
रीजन क्योंकि पीरिडीन यहाँ पे जो है सॉल्वेंट का काम कर रहा है, तो पहला रीजन और assertion दोनों सही है, लेकिन रीजन में पीरिडीन जो है एक्ट एज अ बेस कर रहा है, तो आगे और कुछ नहीं लिखा तो नहीं है, तो आई कैन से दिस इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन बी के साथ में जाऊंगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 25-26, फर्स्ट विल गो विद द 25, टेल मी द 25, एक मिनट। अमंग द फॉलोइंग द अल्कोहल विच हैज अ मैक्सिमम रिएक्टिविटी फॉर एस्टरीफिकेशन, चलो टेक योर टाइम एंड टेल मी। एनीवन, किसी को आया इसका जवाब तो बताइएगा। इतना टाइम लेगा ना तो तुम्हारा पेपर छूट जाएगा। नहीं आ रहा है? हाँ हाँ बेटा शुभम, मिथाइल कार्बन, मिथाइल कार्बन वन डिग्री, वन डिग्री है तो क्या होगा बेटा, ज्यादा एस्टरीफिकेशन को ज्यादा प्रमोट करेगा। कैसे करेगा? तो ज्यादा मतलब रिएक्शन से पता चलेगा। अच्छा अच्छा, मारेगा मैं देखो आके। हाँ ऐसा जस्टिफिकेशन देगा तो इसका मतलब देखो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है चलो देखो, एस्टरीफिकेशन जब करना है तो अल्कोहल और आप एसिड का रिएक्शन कंबाइन कराते हैं, तो क्या होता है कि ये जो अल्कोहल है ये भाई H देता है और एसिड क्या है OH देता है, OH दे देता है। अल्कोहल का O है ना वो एंट्री मारता है इधर पे, ये ऊपर जाता है फिर ये नीचे आएगा इसको हटा देगा ये OH, फिर यहाँ से डी प्रोटोनेशन हो जाता है और अपने को मिल जाता है ईस्टर, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, O बॉन्ड R है। तो अल्कोहल अप्रोच करता है, अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है ना वो कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O के C के ऊपर अटैक मारता है, तो अगर तेरा अल्कोहल है हो जाएगा बल्कि, क्या हो जाएगा बल्कि, तो इसको घुसने को नहीं मिलेगा, तो अपने आप रिएक्शन का जो स्पीड है ना वो अपने आप रिएक्टिविटी वो कम हो जाएगा, तो तुमको इधर बोलना चाहिए ये लेस हिंडर्ड है सर, लेस हिंडर्ड। अब बाकी लोग थोड़े से क्राउडेड है ना तो रिएक्शन का स्पीड थोड़ा ऊपर स्लो हो जाएगा, बाकी डी में फास्ट रहेगा। समझा बेटा शुभम? तो आंसर देख के बता देगा डी, बट देखो एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है तो मतलब क्या है। हाँ ऐसा नहीं करने का है, गो इन द डिटेल। यस सर, इम्प्रेशन मत बनाओ, आंसर को क्रैक करो बस। चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। अरेंज द फॉलोइंग अल्कोहल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द लुकास टेस्ट। चलो तो लुकास के लिए हमको पता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। यस यस, सो यू हैव टू फर्स्ट रिकॉग्नाइज हियर, मतलब कौन भाई सबसे ज्यादा खुशी खुशी रिएक्शन में चला जाएगा, तो पहले आप पहचान लीजिए 3 डिग्री। इसमें आपको ये सोचना है क्या स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के बारे में आप सोच सकते हैं, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन किस में दिया है पहले वो देख लो। थर्ड सबसे आगे रहेगा और फोर्थ सबसे पीछे रहेगा, किस में दिया है ऑप्शन? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है, बी बी ना, हाँ बी, यस, सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, सर फोड़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाओ आपसे। प्रोपेन टू ऑल, propane to all on vigorous oxidation with acidic potassium permanganate, vigorous oxidation kiya bhai aur usne kya liya KMnO4 liya, KMnO4 ek tarah se tagda oxidizing agent hai, to kya karega seedha usko uda ke acid bana dega, seedha beech mein rukne wala nahi, aldehyde ketone pe nahi rukega, aur propane to all kaun sa alcohol hai, primary hai ki secondary hai? secondary hai, secondary hai, secondary, to ye pehla oxidation karega na to isko banayega ketone, kya banayega ketone, ketone,
और फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करके बना देगा एसिटिक एसिड। उसने एक कार्बन को उड़ा दिया। यस इथेनॉइक एसिड बनेगा। हाँ इथेनॉइक एसिड, ठीक है इथेनॉइक एसिड। नाउ प्रोपेन टू ऑल के अंदर आपने यूज कर लिया कॉपर। कॉपर मेटल जो है ये भी एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करता है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर देगा वो, ठीक है। बट सर सीआरओ थ्री स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड जोन्स रिएजेंट बोलते इसको। जोन्स रिएजेंट बन जाएगा। मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अभी तक एक्सप्लेन नहीं करवाया ना तुम लोगों को, ये एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एबो रिएक्शन स्टेटमेंट विच आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट जो है पी वन एंड पी टू बोथ आर सेम। नहीं भाई सेम तो एक मिनट, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और ये प्रोपेन टू ऑल है, दोनों के दोनों कीटोन बनने चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पहला वाला सही है। पी वन इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द लेस नंबर ऑफ कार्बन एंड पी टू इज अ कीटोन। इनकरेक्ट बोला है ना। सेकेंड इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज पी वन एंड पी टू विल बी द लाइक अ कीटोन। आफ्टर दैट ऑप्शन थर्ड क्या दिया है जरा देख लो मैं। अच्छा ए बी सी डी करके उसने बोला है क्या। P1 formed by dehydrogenation while P2 is formed by oxidation. सही है, थर्ड वाला करेक्ट है। P1 can be represented with a C2H4O2 while P2 is like a C3H6O2. इनकरेक्ट बोला है इसने। अच्छा तो यहाँ पर जो है सेकेंड इसमें से राइट स्टेटमेंट कौन सा था। राइट बोला कि रॉन्ग पूछा उसने। एक मिनट हाँ पी वन इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे हिसाब से जो है दोनों के दोनों जो है ना कीटोनी सर कीटोनी बनेगा दोनों दोनों कीटोनी बनेंगे। तो सेकंड वाला जो है इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट सेकंड वाला। अब इसके अलावा जो है सेकंड के साथ में और कौन सा कपल किया है इसने। सेकंड के साथ ए ऑप्शन हट गया क्योंकि ए को भी उसने कपल किया है। ए हट गया। चलो थर्ड वाला भी इनकरेक्ट है ना। डीहाइड्रोजनेशन पीटिस फॉर्म्ड दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन ही होते भाई। सर फोर्थ वाला इनकरेक्ट है। फोर्थ वाला C2H4O2 C3H6O2 O आएगा दोनों का ना। दोनों में हाँ C3H6O2 आएगा। हाँ तो ये गलत दिया उसने। सेकंड एंड फोर्थ अभी मैं एल्डिहाइड कीटोन लूंगा ना तो वहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं समझा। हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट को मैं अभी उतना डिटेल में मैंने डिस्कशन नहीं किया खास करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। इसमें बहुत सारा लिस्ट है तो ये एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के अंदर मेंशन कर लूंगा मैं। अभी इधर देखो कॉपर मेटल मैंने लिखवाया क्या। कॉपर मेटल एट अ हाई टेंपरेचर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस लिखवाया। यस ठीक है तो वो ऑक्सीडाइज देखो उसके अंदर मैंने उसका लिमिटेशन भी लिखवाया रहेगा। वो एसिड नहीं बना सकता है। वो कीटोन पे रोक देता है। यस कीटोन पे रोक देता है। यस सर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो प्रोपेन टू ऑल से CH3CHOH से तो ये ऑक्सीडाइज करके रोक देगा एसीटोन के ऊपर कीटोन तक। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 तो ये कीटोन बन गया। इसका फॉर्मूला हो गया C3H6O H6O हो जाएगा। तो P1 is represented by C2H4 ये स्टेटमेंट गलत है और इसने O2 भी लिखा है। ये O2 भी नहीं आएगा इधर O ही आएगा C3H6O। यस इनकरेक्ट के लिए पूछा तो चौथा इनकरेक्ट हो गया। यस तीसरा भी इनकरेक्ट। यस सर नहीं नहीं तीसरा सही है। P2 ऑक्सीडेशन करता है और ये D अपना डीहाइड्रोजनेशन करता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन कराता है कॉपर मेटल। और यहाँ पे सेकंड वाला जो है ऑप्शन में P1 इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अ लेस नंबर एंड P2 इज ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। दोनों के दोनों जो है एसीटोन बना देगा वो। yes. इसको मैं एल्डिहाइड कीटोन में भी डिस्कस करूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो टेंशन मत लो।
एक साथ मैं पूरा मेंशन कर दूंगा। सी क्वेश्चन नंबर 29। हाँ, डिहाइड्रेशन अमंग द थ्री आइसोमर, ब्यूटाइल का तीन आइसोमर है हमारे पास, डैश अंडरगो डिहाइड्रेशन रेडिली एंड डैश अंडरगो स्टेरिफिकेशन रेडिली। स्टेरिफिकेशन में जो एल्कोहल सबसे स्टेरिकली लेस हिंडर्ड होगा वो जाएगा, और डिहाइड्रेशन में जो क्राउडेड होगा वो जाएगा। तो अभी मेरे को बता दो। चलो सर, डी ऑप्शन क्राउडेड सर, डी ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन। यस सर, डी। हाँ, तो स्टेरिफिकेशन के लिए अल्कोहल जो है वो लेस क्राउडेड होना चाहिए। यस, क्राउडेड एन ब्यूटाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। और उसके लिए क्या होना चाहिए? ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड। हाँ, डिहाइड्रेशन स्टेरिकली हिंडर्ड, वो ज्यादा ये देता है स्टेबल टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यस, नाउ गेट बैक टू द क्वेश्चन नंबर 30। चलो बोलो, द फर्स्ट स्टेप इन द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्किनिन वाज, चलो ये तो आना चाहिए सबको। प्रोटोनेशन होगा। हाँ, वेरी गुड, द फर्स्ट स्टेप इज द प्रोटोनेशन। ओके, यस, करेक्ट करेक्ट। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। मीडियम एसिडिक है ना, तो मैंने आपको पहले ही बोला, मीडियम जब कभी भी एसिडिक रहेगा ना तो प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन होने के बाद लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, देन कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन बनने के बाद वो डीप्रोटोनेशन करेगा या फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएगा। दो पॉसिबिलिटी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 इज द टेस्ट व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंशिएशन बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। बोलो फटाक से। लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट। चलो 32 पे आ जाइए, दिस इज अ मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, वेरी गुड। साइक्लोपेंटेनॉल कैन बी फॉर्मड व्हेन द कंपाउंड एक्स इज ट्रीटेड विद द सोडियम एमलगम इन वाटर। तो साइक्लोपेंटेनॉल आपको मिल रहा है ना, तो साइक्लोपेंटेनॉन का जब आप मारोगे रिडक्शन तब आपको मिलेगा ये। तो ये X है, इसके अंदर आपने ऐड कर दिया NaHg, तो आपको मिल गया। सर, NaHg का बताओ ना रिएक्शन कैसा आता है? ये फ्री रेडिकल रिएक्शन जैसा जाता है, ठीक है? तो रुक जाए एक मिनट, पहले मेरे को कंप्लीट करने दें। साइक्लोपेंटेनॉल कैन बी फॉर्मड विद द कंपाउंड, सो यू आर गेटिंग साइक्लोपेंटेनॉल हियर OH, तो X था और ये हो गया आपका साइक्लोपेंटेनॉल कैन बी फॉर्म व्हेन द कंपाउंड एक्स इज ट्रीटेड विद द सोडियम एमलगम इन वाटर एंड आल्सो व्हेन कंपाउंड वाई इज ट्रीटेड विद द कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड हाइड्रोलाइज्ड। ओके, इफ एक्स इज ट्रीटेड विद द रिएजेंट Z फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इट फॉर्म्स अ वन साइक्लोहेक्सिल साइक्लो। ओके, इसके ऊपर क्या ऐड कर दिया उसने? Z रिएजेंट। It forms one cyclohexyl cyclopentanol. तो ये Grignard reagent add कर दिया उसने, इधर देखो, क्योंकि ये cyclopentane है ना, cyclopentane के ऊपर उसने क्या लगा दिया? Cyclohexyl, तो जो GR का आ रहेगा ना वो cyclohexane रहेगा और उसको MgBr रहेगा। तो ये हो गया OH और ये हो गया cyclohexane, तो ये तुम्हारे को मिल रहा है। तो उसने XY पूछा है, तो X तो मैंने लिखा है इधर पे, क्या है? साइक्लोपेंटेनोन है, साइक्लोपेंटेनोन जो कि आपको ऑप्शन सी और डी में दिया है। अच्छा अच्छा, तो जेड बाय एक्स इज ड्यू टू द रिएजेंट जेड, तो रिएजेंट जो जेड है ना वो जी आर है, इसका राइट ऑप्शन डी है। क्या है? डी आएगा। यस, इधर देखो, अभी बहुत लोगों को ऐसा ऊपर से क्या रहेगा सर, कभी भी देखो कीटोन से अल्कोहल बनाने का है तो उसके अंदर जी आर ऐड कर देते हैं। जीआर ऐड करोगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाता है, हमेशा बढ़ जाता है। तो अभी जो कार्बन ऐड हो रहा है ना वो कार्बन जीआर से आ रहा है। अभी देखो, ये साइक्लोपेंटेनॉन से ऐड होने के बाद तुमको ये मिल रहा है वन अपना साइक्लो, ये क्या था? हाँ, साइक्लोहेक्साइल, वन साइक्लोहेक्साइल साइक्लोपेंटेनॉन। तो एक नंबर पे तुम्हारा साइक्लोहेक्साइल है और एक नंबर को OH अटैच है, वही तुम्हारा पेंटेन को कनेक्टेड है। तो अभी इसमें जो ऐड होने वाली चीज है वो साइक्लोहेक्सेन है,
तो साइक्लोहेक्सेन जो आ रहा है वो आ रहा है C6H5 MGBR MGBR तो साइक्लो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी बोल सकते हो आप इसको. तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को जब आप ऐड करोगे तो ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा. सो दिस इज योर Z reagent तुम्हारा ये है ना, साइक्लोहेक्साइल है ना ये. हाँ तो डी ऑप्शन है ना. तो ये वाई है ना मेरे भाई, ये वाई है. अभी मैं उसी के ऊपर तो जा रहा हूँ, मेरे को एक्स और जेड कंफर्म हो गया तो मैं डी सीधा डी कर लिया. अभी मैं जरा ये भी बता देता हूँ उसने क्या किया है. उसने ये मारा सोडियम एमलगम करने के बाद उसको ये मिल जाता है साइक्लोपेंटेनॉल मिल जाता है. एंड कंपाउंड वाई इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड देन हाइड्रोलाइज्ड. तो इसके अंदर तूने एसिड ऐड कर दिया. तो जब एसिड ऐड करोगे तो वो प्रोटोनेशन करके वाटर निकाल देगा, उधर पे डबल बॉन्ड लेकर आ जाएगा. तो साइक्लोपेंटीन बन गया. साइक्लोपेंटीन ओके. यस सर. तो अपना दो ऑप्शन से काम हो जा रहा था, फिर टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं. फिलहाल अपन सीख सकते हैं, बट इंट्रेंस में एग्जाम के टाइम में दो से क्लैरिफाई हो गया कि इसका राइट ऑप्शन सी या डी है, तो बस टिक करो आगे बढ़ो. नाउ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज दैट. ओके, सड़ी तरीका बोलिए मेजर प्रोडक्ट क्या बन सकते हैं यहाँ पे. एसिडिक कंडीशन है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, काम खत्म हो गया. सर ए आएगा अकॉर्डिंग टू सेट जेफ्रोन. हाँ, इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन का नंबर भी कितना है. ए आएगा. कितना अल्फा हाइड्रोजन इसके बाद बताइए. अरे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन कितना है ए के पास. हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट. 3, 3, 6, 2, 8 8 अल्फा है. इसको काउंट करना नहीं आ रहा है क्या, समझा कि नहीं. 8 कैसे आ रहा है. अरे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन काउंट करते ना हम लोग. तो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 3 है, तो मिला के 8 अल्फा हो गया ना हाइड्रोजन. चलो फंडामेंटल यूज करके बताना है. Which of the following alcohol in the is the decreasing order of the tendency to undergo the elimination reaction. अच्छा सबसे पहले सबसे ज्यादा इच्छा किसकी है एलिमिनेशन में जाने की, वो प्रेडिक्ट करो. चलो प्रोटोनेशन करके वाटर निकाल दो, उसके बाद डी प्रोटोनेशन करो, देखो कौन सबसे ज्यादा इच्छा रखता है. देखो मिथेनॉल तो बिल्कुल नहीं जाएगा, उसके पास तो बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वो भाई एकदम लिस्ट है, चार नंबर लिस्ट है. तो ऑप्शन बी सी डी में सब में पीछे ही रखा है चार को. अब सबसे आगे किसको रखा है वो देख लो. तुम प्रोटोनेशन करने के बाद वाटर निकालो, उसके बाद तुम देखो कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किसकी सबसे ज्यादा बन रही है. बस सर टर्शियरी थर्ड वाला ज्यादा होगा, टर्शियरी थर्ड वाला, फिर उसके बाद फर्स्ट आएगा, फिर उसका सेकंड, फिर उसके बाद फोर्थ. थर्ड वाला टर्शियरी बन रहा है, सही बात है. सेकंड वाला सेकेंडरी बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है, वन डिग्री बन रहा है. हाँ तो हो गया काम तुम्हारा. तो राइट ऑप्शन क्या बन रहा है. बी ऑप्शन. बी. हाँ बी है ना भाई. बी बोला. बी बोला ठीक है. चलो 34 में वो फर्स्ट वाला है ना, उसके अंदर वो मिथाइल शिफ्ट नहीं होगा क्या उधर और स्टेबल करने के लिए. मिथाइल अगर शिफ्ट कर दिया तुमने तो तुमको जो कार्बोकैटायन बनेगा वो 3 डिग्री बनेगा. देख जब भी तू ये करता है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,
तो सब्स्टिट्यूशन में रीअरेंजमेंट करके अपन वहां पे कर सकते हैं, वहां पे तो पॉसिबल ही होता है। अभी यहां पर जो है एक मिनट रुक जाओ, कोई बच्चा बोले सर ये वाटर निकाल दिया तो मेरे को ये मिल जाएगा, आई एम गेटिंग द प्राइमरी सॉरी यहाँ से किसी ने मिथाइल शिफ्ट कर दिया, सो वी कैन हैव दिस। ओके तो अभी ये जो है ये भी फिलहाल बन गया टर्शरी। अगर इसको तुमने यहाँ से निकाल दिया तो ये बन रहा प्राइमरी। देखो टर्शरी ये भी बन सकता है तुम्हारा, यस सर हाइड्रेट शिफ्ट करेगा ये भी। हाँ ये भी टर्शरी बन सकता है हाइड्रेट शिफ्ट करके, और ये भी टर्शरी बनेगा, ये ऑलरेडी टर्शरी तो है ही। सो आइडियली जब अपन सब्स्टिट्यूशन मारते हैं तो शिफ्टिंग के बारे में सोचते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी उसी रिस्पेक्ट में हम लोग ने इसको ये आंसर डील किया है, बिकॉज ऑलरेडी तुम्हारा जो थर्ड वाला था वो ऑलरेडी 3 degree था और ये ऑलरेडी प्राइमरी है और ये ऑलरेडी सेकेंडरी है, वो बेसिस पे हम लोग सर। पर कभी कभी ऑप्शन में दिया रहता है वो शिफ्ट शिफ्ट जिसके ऊपर मारा तो वो पहला देता है, हाँ तो कैसे समझेगा। बराबर कभी कभी वो लोग मेंशन करके दे देते, तो वहाँ पे भी तुमको वही फिर वेरीफाई करना पड़ेगा आफ्टर द दिस। सर मतलब जिसका पहला शिफ्टिंग मारा वो ओरिजिनल से कम ये रिएक्टिव रहेगा ना, शिफ्टिंग करने के बाद उसका रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा वो। सर मतलब अभी ये थर्ड वाला है वो 3 degree है, पर फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में भी शिफ्ट मारा तो 3 degree मिल रहा है, पर वो थर्ड वाले से कम ही रहेगा ना शिफ्ट मारा तभी भी। बिकॉज़ नहीं जो फाइनली हम लोग डिसाइड करते हैं ना रिएक्टिविटी इंटरमीडिएट बनाने शिफ्टिंग करने के बाद, तो ये भी 3 degree बन रहा है, ये भी 3 degree बन रहा है और ये ऑलरेडी 3 degree है। ऑप्शन में वैसा कुछ मेंशन नहीं है, तो मैं ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि देखो MCQ में ना अपने को मोस्ट अप्रोप्रिएट को सेलेक्ट करना होता है, मैं पहले दूसरे को तीसरे को तीनों को सेम रिएक्टिविटी से रिएक्शन में जा सकता है व्हेन दे आर गेटिंग कन्वर्टिंग टू द टर्शियरी कार्बोकेटायन, तो ऐसा ऑप्शन में मेंशन नहीं किया, इसके लिए उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा मैं। अगर वो ऑप्शन में मेंशन किया होता कि देयर इज अ रेट ऑफ रिएक्शन या फिर कौन इक्वली रिएक्ट करेगा, तो फिर उसके बारे में मैं सोचता, यहाँ पे उसने मेंशन ही नहीं किया है। तो ऑप्शन जो होता है वो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग मॉडिफाई करते हैं, ऐसा एक ही क्वेश्चन का जो जिस कंसेप्ट को मैंने 34 को क्रैक किया ना, अगर सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे मैं ये कंसेप्ट नहीं लगाऊंगा कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी, तो वहाँ पे मेरे को दिखेगा ऑप्शन में यार ये ज्यादा प्रेफरेंस में दिया है तो आई विल गो विद दिस। तो थोड़ा सा इसका यही प्रॉब्लम रहता है कि वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो है कंसेप्ट में हम लोग ऑप्शन के हिसाब से उसको अप्लाई करते हैं। अब वही बच्चा पकड़ के बैठेगा कि सर शिफ्टिंग करके आओ तो तीनों टर्शरी बन गया, तो तीनों का इक्वल रिएक्टिविटी जाना चाहिए, तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो अभी क्या करेगा। ठीक है यस सर समझा। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 आना चाहिए, 36 यू शुड बी एबल टू गेट इट। सर आयोडीन गामा हेक्सेन क्या होता है? गामा हेक्सेन नहीं मालूम तुमको? गामा आइसोमर ऑफ बेंजीन होता है ना? नहीं इनको बेंजीन टेक्सटबुक पढ़ो, टेक्सटबुक पढ़ो मालूम पड़ेगा। गैमेक्सिन के बारे में बताया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हां उसको 6 क्लोरीन लगा देने का, 6 फॉर यस 6 क्लोरीन लगा दो। क्या बोल रहे बेटा? टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन मतलब होता है कि जैसे आपके पास कैसा ना एक ये है आयोडीन की मात्रा उसमें बहुत ही कम होती है, 1.1% से भी कम होता है। अभी तुम जाते हो ना जैसे तुमको चोट लग गई है डॉक्टर के पास जाओगे तो वो येलो कलर का कंपाउंड लगाता है, ड्रेसिंग करेगा फिर येलो कलर का कंपाउंड लगाएगा फिर बाद में उसके ऊपर पट्टी बांधता है, कभी देखा है क्या तुमने? यस यस। तो वो जो येलो कलर का कंपाउंड है वो टिंचर आयोडीन है, वो क्या करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे ग्रोथ होने नहीं देता, इट इज लाइक अ डेटॉल, बट डेटॉल क्या है ना कि बहुत स्ट्रांग होता है
एंटीसेप्टिक समझा? यस सर समझा। वो भी एज एंटीसेप्टिक का ही काम करता है लेकिन वो एक जगह पे चिपका रहता है, डेटॉल लिक्विड है तो यूज नहीं करते उसको हम लोग। तो टिंचर आयोडीन एक्ट एज एंटीसेप्टिक बट द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन शुड नॉट बी वेरी वेरी हाई, 1% से भी कम होता है वो। ठीक है 36 भी बताना सर। क्या बोल रहे बेटा? 36 देखो एक होता है डीनेचर्ड स्पिरिट। स्पिरिट मालूम है तुम जाओगे ना बायोलॉजी लैब में तो ये लोग ये जलाने में काम में करते हैं। किसको? स्पिरिट मालूम स्पिरिट लैंप। हाँ लैंप आता है उसको यूज करने में करते हैं। सो इथेनॉल इसमें अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है, रेक्टिफाइड स्पिरिट, वाइट स्पिरिट। इसका कॉन्सेंट्रेशन अभी रिकलेक्ट नहीं हो रहा मेरे को, इसको जरा देखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 36 ठीक है 57 ये एग्जैक्टली वैल्यू के साथ में याद नहीं मेरे को। 37 पे आ जाओ। पैरा एनेस्थेटिक मतलब? हाँ बेटा एनेस्थेटिक एनेस्थेटिक मतलब बेहोश करने के लिए उसको दिया जाता है, जैसे कि किसी का सर्जरी करना है तो सर्जरी के बाद छोड़ो अभी डेंटल एनेस्थेसिया। हाँ डॉक्टर के पास जाते हो जैसे कि हमारे को ये करना है रूट कैनाल करना होता है ठीक है, तो डॉक्टर क्या बोलता है भाई बहुत दर्द होता है ना रूट कैनाल करने जाओगे तो, वो पहले उसमें ड्रिलिंग करके होल करता है दांत में, फिर जितने भी अंदर के दांत में जो भी पोर्शन मतलब ख़राब हो गया उसको निकाल देता है। समझ में आ रही बात? तो एनेस्थीसिया पहले मारता है दांत में तब वो काम करता है, नहीं तो इतना दुखेगा ना मतलब वो अनबियरेबल होता है दांत का दर्द। ओके वैसे ही किसी भी पोर्शन पे आप मतलब वो नम कर देगा, आपको फील नहीं करेगा यार कुछ हो रहा है, दर्द तो नहीं फील होगा मालूम पड़ेगा कुछ तो हो रहा है, चलो उसको एनेस्थीसिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फ्लोरोग्लुसिनॉल इसमें से स्ट्रक्चर कैसा है? 135 एक होता पाइरोगेरॉल। रीड करते हो सब लोग टेक्स्ट बुक? एवरीबडी शुड रीड द टेक्स्ट बुक। फ्लोरोग्लुसिनॉल दिख रहा है 135 1 2 3 4 5 यस ऑप्शन सी है फ्लोरोग्लुसिनॉल। यस ये सीधा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। आयोपैक नेम ऑफ हाइड्रोक्सी क्विनॉल बोलो फटाक से। हाइड्रोक्सी क्विनॉल सर बेंजीन 1.4 डायोल। 4 डायोल बेंजीन 1.4 डायोल 2.4 ट्रायोल। ट्रायोल 1.24 ट्रायोल हाइड्रोक्सी क्विनॉल डायोल आएगा। एक मिनट रुक जा, क्विनॉल जो हो जाता है तुम्हारा ये हो गया पैरा पे ओएच लगता है फिनॉल के पैरा पे लगता है ऑक्सो पे लगता है और 1.24 लगता है 1.24 है हाइड्रोक्सी क्विनॉल लगा दिया इसने तो अभी ये क्विनॉल ही नहीं है ना ये हाइड्रोक्सी भी हो चुका है। समझ में आ रहा है? तो एक ओएच इधर पे भी आ जाएगा। यस सर 1.24 आएगा ना। यस सर ये हो जाएगा 1.24 ट्रायोल। क्विनॉल होता तो मैं 1.4 के साथ जाता बट उसने लगा दिया हाइड्रोक्सी सो आई विल बी कॉलिंग दिस एज अ 1.24 ट्रायोल। फॉर ट्रायोल यस सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रिएक्शन के ऊपर मैं जाता हूँ, ये सब पूरा का पूरा इंफॉर्मेटिव है। आई विल जस्ट सर अगर ऐसा दिया रहेगा कि एसेटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में रिएक्शन किया और जो प्रोडक्ट मिला उसका यूसेज क्या है तो कैसे प्रेफर करेंगे? एसेटोन और क्लोरोफॉर्म के दोनों को रिएक्ट किया क्लोरोफॉर्म यस जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका यूसेज क्या पूछा है सर? प्रोडक्ट का यूज ऐसा क्वेश्चन पूछा है क्या किधर? हाँ सर क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का यूज किया तुमने तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड देन एसीटोन मेरे हिसाब से इंसेक्टिसाइड में बनाने में किया है क्या? इंसेक्टिसाइड CH उसमें क्लोरीन की मात्रा ज्यादा है तो क्लोरीन जो होता है वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो इसमें जाएगा ना स्विमिंग पूल में तो लोग क्लोरीन का पाउडर डालते हैं या स्प्रे मार देते हैं yes. पास करते हैं तो क्लोरीन क्या करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में आ सकता है काम में ये हो सकता है। और ऑप्शन में क्या क्या दिया है इसको यूज में?
सर एक मिनट, ये तेरा डाउट था ना तू पूछ रहा था? यस सर। अच्छा ठीक है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन मेरे हिसाब से तो यही ऐसे दिया है, यूसेज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म इज ए एंटीसेप्टिक, बी हाइपनोटिक, सी जर्मिसिडल एंड डी एनेस्थेटिक। हाइपनोटिक एनेस्थेटिक नहीं है, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में काम में आएगा वो, ठीक है। एनेस्थेटिक नहीं है, जर्मी जर्म्स को मारने में, और एक तरह एंटीसेप्टिक बोला, और कौन सा, हिप्नोटिक, हिप्नोटिक, हिप्नोटिक तो नहीं आएगा, बेहोश करने में भी नहीं आएगा, तो वो दो निकल गया, तेरा दो बच रहा ऑप्शन। जर्मिसाइड वाला हिप्नोटिक दिया है सर, हिप्नोटिक दिया है। हां उस ड्रग का नाम क्या दिया है? ये सर हिप्नोटिक ही दिया है, हिप्नोटिक ड्रग। ड्रग का नाम क्या, उसका नाम भी रहेगा ना? यूज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म इज। अरे ठीक है, ये शायद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में से हो सकता है। ड्रग का नाम उसमें जो हिप्नोटिक में आते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं ट्रैंक्विलाइजर यूज़ करते हैं, वैलियम, इक्विनिल, मेप्रोबामेट, क्लोरोडाइजेपॉक्साइड। सर दोनों के रिएक्शन से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एसीटोन क्लोरोफॉर्म? हाँ स्ट्रक्चर तो दिमाग में मेरे बन नहीं रहा, हम लोग नाम याद कर लेते सीधा। चल ठीक है, देखता हूँ मैं उसको, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। ओके क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या बन सकता है? फ्यूजन ऑफ द सोडियम बेंजीन सल्फोनेट विद अ कॉस्टिक सोडा, क्या बनेगा? NaOH ले लीजिए आपने तो, फिनॉल देगा, फिनॉल। पक्का एवरीवन? अरे हाँ कॉन्फिडेंस में तो बोलो, यस और नो। यस सर फिनॉल देगा, फिनॉल देगा। यस सर, यस सर। ठीक है, नहीं समझा, किसको नहीं समझा? तर और एक अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो डबल बॉन्ड अल्किन रहेगा, अल्किन, अल्किन पे कुछ नहीं किया सिर्फ उधर हाइड्रोजन एलाइड ऐड किया है, तो डायरेक्ट ये मार्कोनी का रूल फॉलो करेगा ना। डबल बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन ऐड किया है, हाइड्रोजन एलाइड HX ऐड किया, HX। हाँ तो डायरेक्ट वो मार्कोनी का रूल फॉलो करेगा ना। हाँ उसमें कुछ अगर मेंशन नहीं किया तो वही फॉलो करेगा। yes, अगर मेंशन करेगा परऑक्साइड है ऐसा कुछ तो आइडियली वो, पर आंसर में ये एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट दिया था। अच्छा और कंडीशन कुछ नहीं मेंशन है ऊपर? नो सर। अच्छा कौन सा एल्कीन है? एल्किन कौन सा? सर ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CCl3। हाँ एक मिनट फिर से बोलो। CH CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CCl3। हाँ तो ये नहीं फॉलो करेगा मार्कोनी का, क्यों नहीं करेगा? उसका पीछे रीजन तेरे को आना चाहिए। स्टेरिकल हिंडर रहेगा। चुप, स्टेरिकल हिंडर नहीं। SBR वो ज्यादा स्टेरिकल हिंडर पे अटैक नहीं करेगा ना, PR माइनस। मारेगा मुझे, इधर देख। अभी ये जो कार्बन नंबर है ना, इसको नंबरिंग कर देता हूँ मैं, 1, 2, 3। अब मेरे को बोल, कार्बन नंबर 2 के बगल, कार्बन नंबर 2 के बगल तूने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, इमेजिन कर। यस। जब तू पॉजिटिव चार्ज लगाएगा तभी बी आर माइनस उसके पास जाएगा। yes. और ये हो जाएगा CH3। अच्छा ये केस पहला बन सकता है। अब दूसरा केस में CH2 को पॉजिटिव चार्ज निकाल दिया, देख मैंने क्या बोला ना, रूल को फॉलो नहीं करने का, मैंने बहुत पहले बोला ऑलवेज स्टिक टू द फंडामेंटल, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट। अभी देख ये जो पहला वाला इंटरमीडिएट और दूसरा वाला इंटरमीडिएट, इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है, वो जिस बच्चे को आ जाएगा वो आंसर जज कर लेगा। अब तू मार्कोनी को रूल के बेसिस पे करने गया, इसके लिए देखो थोड़ा सा डाउट आया। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से सेकंड वाला कार्बन एटम कभी इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ज्यादा अनस्टेबल रहेगा। फिर से बोलो।
क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से सेकंड डिग्री कार्बन को ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। एक कार्बन जो पहला वाला इंटरमीडिएट है ना, दिस कार्बन इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, तो वो इलेक्ट्रॉन के मामले में पुअर है। अब उसकी इच्छा ये है कि मेरे बगल में ऐसा कोई ग्रुप है जो मेरे को इलेक्ट्रॉन दे, तो उसके राइट साइड में कार्बन है लेकिन उस कार्बन का सारा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने खींच के रखा है, कार्बन नहीं दे सकता का इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन खींचे कर रहा, तो ये बगल से भी खींचेगा, बोले भाई तू भी दे दे इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है उसको और अनस्टेबल करेगा, समझा? तो इट इज हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट, ये बनेगा ही नहीं, ये बनेगा नहीं तो सीधा ये बनेगा, तो बी आर माइनस उसके ऊपर जाएगा, तो बच्चों बोले सो ये तो एंटी मार्कोनी का रूल से हो गया। मैंने भाई बोला ना रूल को फॉलो करोगे तो 95% क्वेश्चन है ना वो हो जाता है, 5% क्वेश्चन के अंदर रूल लगता ही नहीं है, और वही क्वेश्चन इंटरेस्ट में बनेगा तो बच्चा बोलेगा सर ने तो गलत पढ़ाया था, सर ने तो ऐसा कुछ तो बोला था। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ ऑलवेज स्टिक टू द फंडामेंटल इंटरमीडिएट, बस इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी के ऊपर ही चिपको, आंसर आ जाता है। समझा सर। क्वेश्चन नंबर 42, 43, 44, नो टेल मी 42 क्विकली। CA3PO4 ट्वाइस, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, हां CA3PO4 ट्वाइस, वेरी गुड। फिनोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द 2 फिनाइल प्रोपेन बाय ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट? सर क्यूमिन का रिएक्शन है ये। हां सर ऑक्सीडेशन होगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोजन। हां एटमॉस्फेरिक मतलब एयर के प्रेजेंस में हम लोग उसको ऑक्सीडाइज करते हैं। अपने बुक में तो वो एज अ प्रमोटर मतलब रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए यूज किया जा रहा है। 44 नॉट ट्रू अबाउट द स्टेटमेंट, क्या है इसमें? सर ए वाला करेक्ट है। फिनोल इज ऑब्टेन ऑन द लार्ज स्केल फ्रॉम द क्यूमिन, यस नॉट ट्रू बोला इसमें। अच्छा मतलब फॉल्स स्टेटमेंट देखना है सर। डी वाला रॉन्ग है, बाकी ग्रीन और राइट है, बाकी सब राइट है, बी वाला नहीं है, रॉन्ग है सर। डी डी ओके। प्रोपेनोन इज द इंप्यूरिटी व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली, सेपरेशन करना है उसका, हाँ इजी नहीं हो पाएगा बिकॉज एसीटोन वैसे होता है वोलेटाइल। ओके इट इज वोलेटाइल एसीटोन, वो इम्प्यूरिटी नहीं पहली बात, तो वो बाय प्रोडक्ट है, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इजली, सेपरेशन तो उसका हो जाना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पर सी करेक्ट है, ऑक्सीडेशन करेक्ट, ये भी करेक्ट है। फिनॉल इज ऑप्टेन ऑन द लार्ज स्केल फ्रॉम द क्यूमीन, इसको हम लोगों ने इंडस्ट्रियल मेथड लिखवाया था क्या साइड में? आई गेस ज़्यादा ही बनता है, तो बराबर है, डी ऑप्शन यहाँ पे बनेगा ऑप्शन के हिसाब से। डी डी को टिक करना आप लोग। सर वो बी वाला बताओ ना, बी वाला बी बी तो लिखा है ना तूने उसमें, एयर प्लस एच टू ओ टू यूज करता है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। यस सर, यस सर। नाउ वी विल गो विद द नेक्स्ट वन, 44 हो गया है। इधर गया 44। चलो क्वेश्चन नंबर 52 बता दो मेरे को, खुल गया इधर तो इसको डिस्कस कर लेता हूँ। 52 सर ओ एंड सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बाद में तो पिक नहीं करते, वेरी गुड सी, वेरी गुड। After this, मैं पहले कोई रिएक्शन देख लूँ, फिर
थोड़ा सा ब्लड दिख रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 65, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज टू फिनाइल हेक्सेन टू ऑल थ्रू द ग्रिग्नर्ड रिएक्शन विच पेयर इज वुड बी चूजन, कौन सा आप इसमें चूज कर सकते हो, ए बी सी, हाँ ए बी सी में से कौन सा चूज करेंगे। चलो नोटबुक निकालिए और नोटबुक में पहले लिखिए, फिर मेरे को आप लोग बताएंगे। चलो आपको क्या बनाना है समझा ना, जो बनाना है मैं लिख देता हूँ, टू फिनाइल हेक्सेन टू ऑल। एक दो तीन चार पाँच छः, दो नंबर पे OH है और दो नंबर पे फिनाइल देंगे, ये आपको ऑप्टेन करना है। तो इसको देखो ऑप्टेन करने का ये तरीका हो सकता है, मैं बता देता हूँ। ये जो दिख रहा है कीटोन, अब इस कीटोन के ऊपर क्या कर दिए, यहाँ पे OH लगा दीजिए और इसके बगल में लगा दीजिए आप कार्बन, कितना आपका हेक्सेनॉल है ना, सो विल हैव हियर फाइव कार्बन, सो 1 2 3 4 5। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, मिथाइल ब्रांच में आ रहा है, ओके तो वैसे करेक्ट है ये, रॉन्ग तो नहीं है, फिर भी आप लोग पहले ट्राई कर लीजिए फिर मैं बताऊंगा। यस सर, एवरीवन ट्राई देन यू टेल मी। सर सी वाला बन रहा है। हाँ सी वाला बन जाएगा, वेरी गुड, सी वाला बन रहा है, सी सी, क्योंकि ये फिनाइल को सीधा तुम इसके नीचे चिपका दो और ऊपर वाले को OH, ऊपर OH जाएगा, OH कर दो, तो यही बन जाएगा स्ट्रक्चर। यस यस सर, यस सर, ओके सो दिस इज अबाउट द नंबर 65, ये भी एंट्रेंस का ही क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये कौन सा रिएक्शन है याद आ रहा है, 62 नाम बताओ इसका, अरे बोलेगा रिमर टिमर रिएक्शन है ये, रिमर टिमर रिएक्शन, यस सर, 40 एल्डिहाइड फॉर्म होता है, 40 एल्डिहाइड, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल बिना ऑप्शन देके बोलो, डाइक्लोरोकार्बीन, फैंटास्टिक, 2018 में नीट में पूछा, ये दो बार क्वेश्चन रिपीटेड है, 2019 में भी शायद पूछा था ये। कार्बिन बनता है, डाइक्लोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 बताइए, Which of the following in the arrange the following in the increasing order of their conjugate base? So, conjugate base के मामले में इसमें जो है सबसे stable conjugate base कौन सा है? Stable रहेगा तो क्या रहेगा? Weak रहेगा। Third वाला stable रहेगा। Third वाला stable। Third वाला is the stable। Stable। So it should be ABCD में से क्या बनना चाहिए? ये वीक हो जाएगा ना भाई, वीक हो जाएगा, थर्ड वाला क्या स्टेबल है, बट ये वीक है, सबसे वीक है ये चारों में, ये वीकेस्ट है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ना, तो तीन नंबर सबसे पीछे जाएगा, ऑप्शन नंबर इसी में दिया, बीम हो जाएगा, बी बी ये। तो अगर वो बोलता स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, तो आग बंद करके सी के ऊपर जाते थे, थर्ड ऑप्शन के ऊपर जाते थे, ये इसके ऊपर, यस, और उसके क्वेश्चन को उल्टा पूछा, समझ आ रहा है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको, यस सर, यस सर, यस सर, नाउ विल गो विद द नेक्स्ट वन।
34 हमारा हुआ था, 34 के बाद 44 चलो ना, 45 क्वेश्चन नंबर 40 बताइए, सॉरी 46 पिक अप अ रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फिनोल ऑन एक्सपोज. अच्छा रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है इसमें? कार्बोनिक एसिड कहते हैं, कार्बोनिक एसिड को ही हम लोग बोलते हैं ना. चलो फिनोल से बनता है ऑक्सीडेशन. ओह फिनोल, हाँ सर ऑक्सीडेशन है वो, फिनोल नहीं बनाता है वो, क्विनोल नहीं बनाएगा, सही बात है, वो कुछ तो परऑक्साइड जैसा बनाएगा. यस दो ऑक्सीजन आपस में जोड़ देता है वो. यस फिनोल इज अ वीकर एसिड देन कार्बोनिक एसिड. H2CO3 को कार्बोनिक एसिड बोलते हैं और फिनोल का ही दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड, मालूम है ना? फिनोल yes, को हम लोग कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं. फिनोल इन इट्स प्योर फॉर्म इज अ कलरलेस, सही बात है. आप लोग लैब में जाओगे तो देखोगे रिसॉर्सिनोल एक कंपाउंड होता है. दो मार्क्स के लिए हम लोग बोर्ड के फाइनल एग्जाम में पूछते हैं आइडेंटिफाई द कंपाउंड, तो बच्चा स्मेल लेगा तो स्मेल से किधर मालूम होता है बच्चे लोग क्या है. तो आधे लोग तो क्या करते हैं लिख के जाते हैं. अब ये कंपाउंड को थोड़ा सा देर तक हम लोग हवा में रख देंगे ना तो उसका कलर हो जाएगा चेंज, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो गया तो वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है तो बच्चा पहचान ही नहीं पाता. तो इसको पहचानने के लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं, डायज़ोडाइजेशन करते हैं. डायज़ोडाइजेशन पढ़ेंगे हम लोग आगे. ऑरेंज रेड डाई दे देता ये, मैं सीधा रिएक्शन पार्ट पे जाता हूँ. लीस्ट एसिडिक, बताइए अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द प्रेडिक्टेड वन व्हिच इज द लीस्ट एसिडिक. ट्रिपल नहीं था सर, क्रिस्टल के मतलब रीजन क्या निकालेंगे आप सर? क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बताओ. CH3 लगाने का और OH लगाने का. नहीं समझा डिस्कले टेक्स्ट बुक पढ़ने का रखा है, हाँ नोट्स भी पढ़ने का रखा है. ये तेरा OH है, इधर तू लगा दिया CH3, ये ऑटो क्रिसॉल है समझा? फिर इधर आ जा. और ये फिनॉल है. Predict the one which is the least acidic. So, बोलिए क्या बोलना चाहिए हमें? Least acidic. देखो, phenol. Phenol is highly acidic because इसके अंदर ना तो electron दिया जा रहा है कुछ ना. अभी ये बाकी तीन में क्या हो रहा है? Electron दिया जा रहा है. तो देखो ये कौन सा position है? Least acidic है. कौन सा बोले तुम? देखो ये प्लस आई इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे. यस इसके ऊपर प्लस आई लगेगा एंड प्लस एच लगेगा, इसके ऊपर प्लस आई लगेगा एंड प्लस एच लगेगा. मैंने इतना बता दिया, मेरे को आप आंसर दे दो. चलो और रीजन मेरे को चाहिए, जिसको आ गया मैं समझ जाऊंगा उसको कंसेप्ट समझा रहेगा पहले जो मैंने पढ़ाया है. चलो अरे इतना टाइम ले रहे हो. ऑर्थोक्रेसोल आएगा, ऑर्थोक्रेसोल. रीजन दे दे बेटा, सर आंसर राइट है, रीजन दे सर. वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रुप लगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा दोनों के बीच में. नहीं ये रीजन नहीं, नहीं नहीं ये रीजन बिल्कुल नहीं है सर. उसमें हाइपर कंजंक्शन इफेक्ट लगेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे. तुमको ये तीनों ऑप्शन दिख रहा है ना, तीनों में मैंने क्या लिखा है? पहला वाला ऑप्शन ये है ना, तो इसमें मैंने लिखा ना ये इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखा रहा है, हाइपर कंजंक्शन भी दिखा रहा है. देख इंडक्टिव इफेक्ट जितना नजदीक से लगता है ना उतना ज्यादा पावरफुल रहता है.
यस सर यस। तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट की मात्रा जो है डोमिनेंट ज्यादा रहेगा, तो उसकी वजह से इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा, तो इसका एसिडिटी कम हो जाएगा। यस सर ये सुनने का था मेरे को, तुम लोग ऐसा कुछ भी घुमाएगा फिराएगा थोड़ा, यू शुड बी स्टिकिंग टू द कंसेप्ट। ये बोला था ना ऑर्थो पे ज्यादा आने के। हाँ तो तेरे को ये बोलने का था इंडक्टिव इफेक्ट इज कमिंग वेरी मतलब प्रोमिनेंटली बिकॉज उसके अंदर दूरी कम है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो इफेक्ट भी उसका कम होने लगता है। ठीक है क्वेश्चन नंबर अपन ने ऑलमोस्ट 50 तक किया है, अभी कमिंग सेशन में बाकी कवर अप करेंगे। पहले देखो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन हर एक बच्चे को आना चाहिए, मतलब देखो हर एक बच्चे ने ये बुकलेट का भी क्वेश्चन को क्रैक कर लिया ना, तो अब मान के चलो 90% यू कैन ईजिली स्कोर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब बाकी का 10% के लिए उसको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा विद गुड एग्जाम्पल्स, बट इतने भी एग्जाम्पल्स को भी अगर उसने ऑनेस्टली MCQ क्रैक कर लिया विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, तो कहीं से भी क्वेश्चन है वो क्लियर कर लेगा। ठीक है सो विल स्टॉप इट हियर, अगले सेशन में मिलेंगे हम लोग। बाय द टाइम कीप ऑन सॉल्विंग।